नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीके टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक विश्नामत। फिलहाल वक्त हो चला है 5 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। गहलोत बोले, गोगामेडी मर्डर की एनआईए जांच का लेटर मेरे साइन से गया, ये नए सीएम का था काम। आज 6 दिन हो गए लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला अभी तक नहीं हुआ। राजस्थान में चुनाव खत्म होते ही स्मगलर एक्टिव, चित्तौड़गढ़ पुलिस ने जब्त किया 3 करोड़ का अफीम, डोडा चूरा, नाकाबंदी कर रहे सफल, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बाबा बालकनाथ बोले, मेरे बारे में सीएम को लेकर लगाए जा रहे कयास करें नजरअंदाज, एमएलए कुंवरलाल मीना ने कहा वसुंधरा को ही बनाया जाए सीएम। महामंत्री सुनील बंसल ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। विधवा महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर किया रैप, पीड़िता ने जयपुर के एयरपोर्ट थाने में दर्ज कराया मामला। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी चल रहा फरार, पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरू। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन 0 डिग्री पर पहुंचा पारा, राजस्थान के 4 शहरों में 10 से नीचे आया तापमान। 15 दिसंबर के बाद सर्दी बढ़ने की संभावना, जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर में भी आज शनिवार को न्यूनतम तापमान शुक्रवार के समान रहा। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की बेटी ने जारी किया वीडियो, चरणजीत सिंह ने कहा सुखदेव मेरे काकोसा, उनके साथ ऐसा करने के बारे में कभी नहीं सोच सकती। चुनाव आयोग ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारियां, 20 दिसंबर से वोटर लिस्ट में जुड़ेगा नाम, 6 जनवरी को वोटर लिस्ट की ड्राफ्ट लिस्ट की जाएगी जारी। भारत पर आईएसआईएस के आतंकी हमले की साजिश, एनआईए ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा जगहों पर की छापेमारी, आतंकी संगठन के कुछ आतंकी अभी हैं सक्रिय। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके बसंत कुंज में गैंगस्टर दिल्ली पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, लॉरेंस गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार, गोल्डीबरार गैंग से जुड़े दोनों के कनेक्शन। झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ का मिला कैश, नोट गिनने में 2 से 3 दिन लगेंगे, 6 छोटी 6 बड़ी मशीनों से हो रही गिनती। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकानों पर आयकर विभाग ने डाला छापा। अभी के लिए 5 मिनट 10 बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए द पीके टाइम्स के साथ। नमस्कार।